अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन अदर व्लॉग। अभी अभी मैं सो के उठता हूँ वीवर, नींद बहुत आती है। खाली बंदा जब बोला, आज छुट्टी थी मुझे तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर सो लेता हूँ। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें, फिर शुरू करते हैं मज़ेदार वीडियो। अभी मैं बच्चों को छोड़ने जा रहा हूँ शहर। वहाँ रिश्तेदारों के पास है, वहाँ रिश्तेदारों के पास जाना है ना। मैंने चलो मैं छोड़ हाँ। मैं और नूर फातिमा और वाइफ मेरी तीनों जा रहे हैं। अस्सलाम, हम घूमने फिरने जा रहे हैं। फातिमा आई बस सलाम करके वो गई, पढ़ती है ना। रस्से में जाते हैं तो मना करते हैं वो वीडियो बनाने से, इसलिए मैं खुद नहीं उसको लेकर आता व्लॉग। बस अभी बच्चों को छोड़ दिया वहाँ, फिर मैं जा रहा हूँ फराज भाई के पास, चक्की पास। वहाँ चलते हैं, बात शादी करते हैं। अभी रेलवे ट्रैक के पास में गुजर रहा हूँ रेलवे ट्रैक पे। देखते हैं है सही वो पटरी पर है। नमक को सीधा कर रहा है, मतलब इकट्ठा कर रहा। चुप करके जाए। ये लोग ना नमक भर रहे हैं, ये तेलियां भर रहे हैं, ये प्याज, और ये देखो इधर चश्मा लगाया हुआ, इसे नजर नहीं आता। शर्म आ गई। अब ये नमक बना के हम बेचते हैं, दुकानों पर सेल करते हैं। ये इन्होंने नमक रखा हुआ, जो भी आदमी ऑर्डर करेगा उसकी दुकान पे ये दूध पहुंच जाएगा। आप लोगों को भी चाहिए तो मैसेज कर देना। ये देखें, ब्रेक करने वाली मशीन लगाई हुई है इन्होंने, और वो तोड़ने वाली मशीन, छोटा बड़ा बनाने वाली, वो तोड़ती है नमक को, ये ब्रेक करती है। वहाँ से होकर फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ से थैलों में, फिर ये बंदा भरता है नमक, ये बंदा जो आपके सामने है, ये बंदा जो है ना, ये बातें ज्यादा करता है और काम कम करता है। ये लड़कियों की बातें ज्यादा करता है, काली लड़की की। अच्छा, तो उम्र इसकी चेक करें, ये फाड़े वाली 15 साल उम्र है सारी इसकी, ये फाड़े वाली देखता है। ये देखे इधर भाग गया, ये इन्होंने नमक स्टार्ट किया हुआ है। तो जानवर वाला केड़ा है, कोई भी नहीं है, बटिया डाली करके। Thank you.
बैक रिवर्स। अभी मैंने नहाया हूँ, कपड़े चेंज किए हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ पीर्स बांध छा का ना, और लगा हुआ है, मुझे बताया है दोस्त ने, लेकिन पूरा पता नहीं लगा हुआ कि नहीं। मैंने कहा चलो चलते हैं जाके देखते हैं, अगर और लगा होगा तो भी देखेंगे, और लोग आए होंगे, कवाली भी हो रही होगी, अगर नहीं भी आज लगा होगा तो आज कल ही है मेरा ख्याल, आज नहीं लगा होगा कल से शुरू हो जाएगा। चलो सलाम कर लेंगे दरबार पे, फिर वापस आ जाऊंगा, साथ ही तो है, तकरीबन 8-10 एकड़ दूर है, इतना नहीं दूर। अभी मैं निकला हूँ घर से, अभी मैं आधे रास्ते पहुँच चुका हूँ, बस मौसम ठीक है, नॉर्मल है, ना इतनी सर्दी ना गर्मी, बस धूप भी इतनी नहीं लग रही, और अभी सर्दी भी इतनी ज़्यादा नहीं, सुबह टाइम होती है ज़्यादा, अभी तो तकरीबन 4 बज रहे हैं। ये बस झूले तो लगे हुए हैं बच्चों के, मेरा ख्याल मेला शुरू हुआ है या कल होगा, अभी पहुंचने वाला ही हूँ, फिर आपको भी दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। तो मैं अभी अंदर जाते हैं, उसे कर लेते हैं, ये देखे ये दरबार है इस बहन शाह का, ये ऊपर गुंबद बना हुआ, माशाल्लाह खूबसूरत दरबार बनाया हुआ है। अब झूले भी लग रहे हैं, अभी कल से शुरू है मेला, इस तरफ देखें ये लाइन है भीड़े वाली, देखें भी बस झूले लगे हुए हैं दरबार पे, अभी दुकानें तो लगी नहीं, अब आएंगी, और खारू भाई भी मिल गए मुझे, ये बैठे हुए हैं, पिछली दफ़ा मैं आया था नहीं मिले थे, आपको बताया भी था वीडियो में, तो आज मिल गए मुझे, वो देखे बच्चे जंप पे खेल रहे हैं, अभी कल से शुरू होगा इन्हें ना खारू, कल शुरू हो सी ना फेरी, खारू भाई का माल वो है, वो जा रहा है अपने माल के पीछे, वो सामने वो जा रहा है उस तरफ ना फसलों में किसी के, तो फिर वो बोलते हैं इसलिए वो जा रहा है। झूले शूले तो आ गए, अभी शॉप पे लगी नहीं भी, बस तो कल से इंशाल्लाह शुरू होगा मेरा, कल कवाली भी होगी, खारू भाई मुझे बता रहा था कल कवाली होगी शाम को, कल आएंगे शाम को 5-6 बजे होगी, वो तो बता रहा था भी कबड्डी भी होती है पहले हर साल, लेकिन इस साल इश्तहार भी नहीं दिए, शायद हो या ना हो, पहले तो होती थी कबड्डी का मैच, कल फिर आएंगे देखेंगे। फिर काम पे भी जाना है मैंने, तो काम से वापसी आकर फिर इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, जाके आपको कवाली भी सुनवाएंगे, और भी जो जो चीज़ें होंगी वो आपको दिखाएं, शॉपें भी लग रही हैं, अभी आज लेकर आए हैं वो सामान सारा, आज सेटअप करेंगे शाम तक कर लेंगे, कर लेंगे इंशाल्लाह, फिर आवाम भी आएगी क्योंकि स्टार्ट हो जाएगा ना मेरा कल से, तो
कल हम भी आ जाएंगे, खुद भी देखेंगे और सब आपको भी दिखाएंगे। मौसम भी प्यारा है, बस हल्की हल्की हवा भी चल रही है और गर्मी भी नहीं है, लेकिन मेरी सांस बहुत फूलती है। पता नहीं क्या वजह, थोड़ा सा चल लो ना, अलग काम भी करते हैं, उस वक्त भी इतना सांस नहीं चढ़ता जितना मैं चल लूँ ना, तो सांस ज़्यादा चल बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है सांस। आपको वीडियो में पता चल ही रहा होगा कि सांस फूल जाता है। अभी बाइक लेंगे तो फिर बाइक मैं खुद ही नहीं ले रहा अभी, बस अभी एक तो अभी इतने पैसे भी नहीं है, आपको पता नहीं जगह होता ना व्यूअर्स, तो फिर बहुत बात थी। अब आपको पता नई जगह शिफ्ट हुए हैं तो खर्चे ज़्यादा हैं, हर चीज़ दोबारा से बनानी पड़ती है, तो इस वजह से ना मैं अभी नहीं ले रहा। बाद में लेंगे ज़रूर, क्योंकि बाइक के बगैर आपको पता गुजारा नहीं होता, बच्चों ने आना जाना होता तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अभी मैंने आधा रास्ता क्रॉस कर लिया, शाह भाई भी आज गए हुए हैं गुडियाँ, वो वापस आ ही गए होंगे। अभी भी रिवर्स ना मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, पता नहीं क्यों होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। पहले तो मुझे इतनी वो कैमरे से शर्म आती थी कि मैं वीडियो के सामने कैमरे के सामने नहीं आ सकता, ना आहिस्ता आहिस्ता ना भी मैं ठीक हो जाऊंगा, जैसे जैसे वीडियो बनाऊंगा ना तो कॉन्फिडेंस आता जाएगा मुझे। तो अभी भी बहुत है, लेकिन वो आपको पता कैमरे के सामने बंदा ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो आज की वीडियो करते हैं एंड, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।